अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट हमारा होता क्या है कि वो करंट जिसमें उसके डायरेक्शन सेम होती है, मतलब टाइम के साथ डायरेक्शन चेंज नहीं होती और उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है। तो अगर हम डायरेक्शन और टाइम का ग्राफ बनाएं तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। मान लीजिए आपका करंट है और ये टाइम है, तो द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे जैसे टाइम आपका बीतता जाएगा वैसे वैसे आपका ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब इसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। तो डायरेक्ट करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है आपका, वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ करंट remains constant with time। डायरेक्ट करंट के सोर्सेज आपके सेल्स हो गए, बैटरी हो गया, तो डायरेक्ट करंट के सोर्सेज क्या है, सेल्स बैटरी एटसेट्रा। Now we come to alternating current। Alternating current क्या होता है, alternating current वो होता है जिसमें current अपनी direction periodically change करती रहती है। तो मान लीजिए अगर जैसे हम alternating current का graph बनाते हैं, तो alternating का graph basically क्या होगा, वो periodically change करता रहेगा, कभी plus में होगा तो कभी माइनस होगा, फिर प्लस फिर माइनस। तो उसका ग्राफ अगर मान लीजिए साइनसोइडल होता है तो ऐसे होगा, ये आपका अल्टरनेटिंग ग्राफ करंट का ग्राफ बन सकता है, क्योंकि इसमें कुछ समय के लिए प्लस डायरेक्शन में है आपका करंट, तो कुछ समय के लिए माइनस डायरेक्शन में है, और जो समय है वो फिक्स है, तो पीरियोडिकली चेंज हो रहा है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये था आपका अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जरूरी नहीं है कि आपका ये हर में साइनसोइडल होगा, ये भी आपका अल्टरनेटिंग करंट हो सकता है। क्योंकि इसमें भी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज हो रही है। बट अगर आपको कोई दे दे कि ये अल्टरनेटिंग करंट है क्या, तो इसके बारे में क्या कहेंगे। अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन के हिसाब से डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होना चाहिए, कभी एक समय में प्लस होना चाहिए तो दूसरे समय में, मान लीजिए अगर उसका टाइम पीरियड क्या है टी है, तो टी बाई टू में प्लस होना चाहिए, टी बाई टू में माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हर जगह प्लस है, हर जगह प्लस है, तो इसलिए इसको हम अल्टरनेटिंग करंट नहीं कह सकते। तो हमारे क्या डेफिनेशन हो गए, डायरेक्ट करंट की, वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेंस कांस्टेंट विद टाइम, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस पीरियोडिकली विद टाइम, देन दैट करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट के सोर्सेज क्या है, एसी डायनेमो हो गया, डीसी डायनेमो भी होता है, लेकिन डीसी डायनेमो आपका डायरेक्ट करंट सोर्स होता है, एसी डायनेमो आपका एसी सोर्स हो गया। हमारे जो घरों में आता है वो कौन सा करंट होता है, एसी करंट। इन आवर होम और जो हमारे घरों में एसी करंट आता है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 50 हर्ट्ज। ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे करंट ऑसिलेट करता है।
तो ये था आपका हमारा डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में अल्टरनेटिंग करंट इसलिए ज़्यादा यूज हो रहा है क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट को हम लॉन्ग डिस्टेंस पे भेज सकते हैं विदाउट एनी लॉस ऑफ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेकिन डायरेक्ट करंट में ऐसा नहीं होता। इसलिए अल्टरनेटिंग करंट के पास ये एडवांटेज है कि हम उसे बहुत दूर तक भेज सकते हैं बिना ज़्यादा एनर्जी के लॉस के, तो इसलिए हमारे घरों में एसी करंट यूज़ होता है।